गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो यार। तो आपकी रिट्स आपको और भी अच्छा करने लेके आई एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सो गाइस देखो, आप लोगों को पता है हम बहुत ज़्यादा रियल चीज़ें भी आप लोगों से शेयर करते हैं, जो ऑन कैमरा नहीं दिखाना चाहिए वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि यार फैमिली मानते हैं। देखो जायज सी बात है, तो हर चीज़ आपके आगे आनी ज़रूरी है। अब मैं आपको बता दूँ कि मैं आई तो थी पार्क में शूट करने, लेकिन ना मेरे सामने ना एक कपल बैठा है जो बहुत देर से ना बहुत गंदे वाली लड़ाई कर रहे हैं यार, फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और मुझे लगता है कि वहाँ पर ना मुझे जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा उनकी गंदे वाली तगड़े वाली लड़ाई हो रही है यार। तो आप लोगों को पता है रियल चीज़ें भी शेयर करते हैं। तो एरिक एक काम करो, एक बार कैमरा थोड़ा उनकी तरफ करके दिखा दो कि क्या सीन है। बहुत ज़्यादा इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई है और लड़की ना रो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए, एक बार बात करनी चाहिए। हो सकता है कुछ ठीक कर पाऊँ, आई ट्राई माई बेस्ट, देखते हैं क्या होगा। बाकी रियल चीज़ें शेयर करते हैं, तो एक बार चलते हैं और कैमरा हाइड कर लेना यार, देखते क्या होगा। तू नहीं मुझे बोल सकता, क्यों नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता, क्यों नहीं बोल सकता, मेरा है क्या, क्या है, हाँ सब कुछ है, फिर भी अब नहीं है। मैं तो से परेशान आ चुकी हूँ यार, तो परेशान है तो क्यों परेशान है, इसकी वजह भी तो होगी। एक्सक्यूज मी, हाय रिट्स, हाय हेलो यार, आप रो रहे हो, क्या हो गया मैम? हम दोनों के बीच सब ओके है, बताइए आप कौन हो? तो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले, जैसा कि हर किसी को यार आजकल फास्ट पैसा कमाना पसंद है, तो मैं भी फास्ट पैसे कमा रही हूँ बायनानी साइट से। ये आजकल का ट्रेंड बन चुका है 2020 का, और मेरे दोस्त भी इससे खूब सारा पैसा कमा रहे हैं। एक बार मैं भी आपको रियल अकाउंट से खेल के दिखा देती हूँ कि आपको किस तरीके से पैसे आप जीत सकते हो। तो गाइस चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और मैं फुल श्योर हूँ आज मैं पक्का जीत जाऊँगी। तो मैं बैट कर रही हूँ यहाँ पे, तो ये ऊपर जा रहा है यस। तो गाइस देखा, जीत चुकी हूँ मैं बहुत अच्छे खासे पैसे, देखा कितना कूल है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। और इसमें जीते हुए पैसों को इमीडिएटली आप अपने पेटीएम अकाउंट में या बैंक अकाउंट में विड्रॉल भी कर सकते हो, तो यहाँ ये बहुत सेफ और सिक्योर है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कितने कम समय में मैंने कितने अच्छे खासे पैसे कमा लिया, तो इतना पैसा तो यार एक ऑफिस वर्कर एक महीने में भी नहीं कमाता होगा यार। तो चलो मैं तो इन जीते हुए पैसे से अपना शॉपिंग करने वाली हूँ। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, स्टार्ट करो पैसे कमाना। और गाइज इसमें मिनिमम डिपॉजिट 300 रुपये का है, पर मैं आपको सलाह दे रही हूँ कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट रिवील करके रखो, ताकि जितना आप ज़्यादा रिवील करोगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपके जीतने के। तो बिल्कुल एक बात ना भूलना, ज़्यादा पैसा आएगा तो यार आपके वॉलेट पेटीएम वॉलेट में बहुत सारे पैसे देखने को मिल जाएंगे, वो भी एक सिंगल क्लिप में, तो बिल्कुल फास्ट है इजी तरीके से यार। तो देर किस बात के, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, इसको चेकआउट करो जाके बायनानी साइट को और बहुत सारा पैसा कमाओ। सब ओके नहीं लग रहा ना, मैं आपको नोटिस कर रही हूँ, एक घंटा हो गया मुझे वहाँ पे हूँ मैं, और कब से देख रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हो, इससे बहुत परेशान हूँ, और ये लड़की रो रही है यार, ज़्यादा परेशान हूँ ना, ये मेरी रिस्पेक्ट करता है ना कुछ करता है। मुझे पता है कि आप दोनों का पर्सनल मैटर है, मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बट मुझे ना मेरे से कंट्रोल ही नहीं हुआ, आप लोग लड़ाई कर रहे हो इतनी देर से, और अब मैंने देखा आप उसको धक्का दे रहे हो यार, लड़की है, थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो। जी मैम, लेकिन अब हमारी आपस के मामले में आप कौन होती हो बीच में करने वाले, आप चले जाओ यहाँ से। नहीं, मेरी छोटी बहन है वो, ऐसे ही ये मुझसे करता है ना, किसी रिस्पेक्ट से बात करता है, मेरे फ्रेंडों से मुझसे बात करने से मना करता है। मैम फ्रेंडों से बात, कौन फ्रेंड होते हैं, कौन फ्रेंड, मेरे फ्रेंड है, मेरे लड़के फ्रेंड है, तुझे क्या प्रॉब्लम है उससे यार, उसकी पर्सनल लाइफ है ना, मुझे पता है मैं अच्छी नहीं लग रही, ये लॉजिक नहीं बनता कोई, मैं आप लोगों के लिए रैंडम हूँ आपसे आके बात कर रही हूँ, लेकिन जहाँ पे मैं ये सब देखती हूँ ना उससे कंट्रोल नहीं होता यार, है तो वो एक लड़की ही ना। तो मैम आप कौन होती है हमारे बीच में? मुझे पता है मैं कोई नहीं होती आपके बीच बात करने वाली, ठीक है, मेरी बात सुनो, कैसे ऐसे बात कर सकता है, और किससे करूंगा बताओ, उससे कर, तो उससे क्यों करता है, जब तू मेरी इज्जत नहीं करता उसकी कहां से कर लेगा तू? आप लोग रिलेशनशिप में हो यार, ये होता है रिलेशनशिप, मुझे बताओ आप, ये होता है रिलेशनशिप? मैं जबरदस्ती फंसी हुई हूं, मैं मेरे को नहीं निकलने देता वो, तो मैम इसको, तो यार वो नहीं रहना चाहते ना आपके साथ, नहीं रहना तेरे साथ, वो क्लियर कर रहे हैं ना, मेरी छोटी बहन है, चलो आप बोल रहे हो ना मैं कौन हूँ, तो मैं आपको बता दूँ मेरी छोटी बहन है, मैं बड़ी बहन हूँ इसकी, और आप इज्जत यार, आप अपनी बंदी को, अपनी गर्लफ्रेंड जिसे बोलते हैं यार, प्यार करते होगे ना उससे, आप अपने प्यार को इज्जत नहीं दे रहे मैम, इज्जत देने वाली बात तो आई ही नहीं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आप वो बताओ ना यार, धक्का दे रहे हो उसको, मुझसे प्रॉब्लम है, मेरे फ्रेंड है, लड़के फ्रेंड है, उससे इससे प्रॉब्लम है, वो शक करता है, मैं रिस्पेक्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता, मैं तेरे साथ ऐसे बंद के नहीं रह सकती, तू दूर रह मुझसे। तो मैम एक बात, एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। मैम ट्रस्ट खो चुका है ना पूरा, क्या ट्रस्ट खोया उसने, करा कैसे उसने बताओ, किस लड़के से बात नहीं, अच्छा मतलब लड़के से अगर लड़की बात कर रही है तो वो गलत है, अगर मैं लड़के से बात कर रही हूँ तो जरूरी है मैं रिलेशनशिप में हूँ, बिल्कुल जरूरी,
रिलेशनशिप हो तो समझ में आए कि हर बार मैं फोन करता हूँ तब भी बिजी, रात को फोन करूँ तब भी बिजी, पूरे 24 घंटे बिजी। यार हो सकता है वो जाता है, अगर मेरी मामा का कॉल आता है तो वो मुझ पे शक करता है। आप बाहर ही रह सकती तेरे साथ, आप बाहर रहते हो ना, अकेले रहते हो ना, तो यार क्या प्रॉब्लम है, मम्मी से बात करेगी, पापा से बात करेगी, क्या हुआ। बंदी अपना सब कुछ करियर वरियर के लिए बाहर आती है, अपने माँ बाप को छोड़ के कुछ बनने के लिए, अगर वो रात को अपने पेरेंट्स से बात करी है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। मैम मैं पेरेंट्स से प्रॉब्लम की तो बात कर नहीं रहा, मम्मी की कॉल आती है, आंटी की कॉल आती है तो आप बात करो ना आंटी से, लेकिन आप सब फ्रेंडों से बात करते हो इसका भी। अच्छा मतलब अगर एक लड़की लड़कों से बात करिए तो वो गलत है, ये कहना चाहते हो? ये खुद ही अपनी लड़कियों से बात करता है तो गलत नहीं होता है। मैम तो जो आप कर रहे हो वो इतना गट्स रखो ना कि सामने वाला करे तो आप बर्दाश्त कर पाओ। मुझे तुझसे दूर रहना, तुम उससे यार मैं कब से देख रही हूँ एक घंटे से आपको यार, कि आप उसको ऐसे धक्का दे रहे हो। अगर मैं आपको ऐसा धक्का दूँ पब्लिकली आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं मैम, तो प्राइवेट प्लेस पे भी दूँ तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं मैम, इज्जत बहुत जरूरी है ना करनी, प्यार करते हो ना उससे, प्यार में ये सब नहीं होता मैम। लेकिन उसने पूरा जब सब कुछ खो चुका है तब सब कुछ हो चुका है फिर भी लड़ाई कर रहे हैं कि उसको क्लियर करने के लिए मैं क्या बताऊं, बताओ। तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए तेरे साथ, अगर वो क्लियर, देखो अगर वो क्लियर कर रही है ना तो ज्यादा पोजेसिव होने की जरूरत नहीं है, वो नहीं रहना चाहती आपके साथ। और अगर ये आप बोल रहे हो कि मेरा इससे रिश्ता क्या है तो मेरी छोटी बहन है, वो नहीं छोड़ता मेरे को, या क्यों नहीं छोड़ता कोई, हम किसी के साथ ना, तुम्हें मैं एक बता रही हूं, एक अच्छे दोस्त के नाते बता रही हूं, किसी के साथ हम रहना चाहे ना सिर्फ 2 दिन रह सकते हैं, धक्के से 3 दिन रह सकते हैं, चौथे दिन वो खुद ही दूर हो जाएगा तुमसे, क्योंकि तुम को फोर्स कर रहे हो, फोर्सफुली प्यार नहीं होता, रिलेशनशिप फोर्सफुली नहीं चलता। हम दोनों की रिलेशनशिप की बात है, आप यहाँ से चले जाइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना, तुम एक लड़की की ऐसे बेकदरी कर रहे हो पब्लिकली, उसको धक्का दे रहे हो, कब से लड़ाई कर रहे हो, बंदी कब से रो रही है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? कभी फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं जा सकती, मेरी छोटी बहन है, मैंने तुम्हें बता दिया, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो खत्म करो ना कहानी। रिश्ते बनाना बहुत आसान है लेकिन निभाना बहुत ही मुश्किल है, और ये पता चल रहा है तुम कितने अच्छे रिश्ते निभा रहे हो। मैम रिश्ते निभाने वाली बात तो ऐसी मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, तू जा, तू क्लियर बोल दिया ना उन्होंने आपको, क्लियर बोल दिया वो नहीं रहना चाहते तो खत्म करो ना, तो खत्म कर तो दिया, या तो ट्रस्ट रखो अपनी बंदी पे, अपने प्यार पे। आज खत्म किए करने के लिए बोला, अगले दिन फिर वही ड्रामे शुरू होते। मैम खत्म शुरू हो, खत्म, ये तो साइको वाली हरकत है यार, अगर तुम धक्के से किसी के साथ, नंबर का साइको है, धक्के से तुम किसी के साथ जबरदस्ती रह रहे हो, 2 दिन रहेगी वो तीसरे दिन छोड़ के चली जाएगी, कई दूर ही चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो मैम या तो एक बात, तो तुम हरकतें ऐसी कर रहे हो, भी तो होनी चाहिए। अब आप दूसरों से बात कर रहे हो ना, सब करता है मुझ पे, आप सब करता है, वहम का ना, वहम का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तुम्हारी अगर लड़कियां दोस्त है ना तो उसके लड़के दोस्त है ना तो वो गलत नहीं है, और एक लड़की अगर लड़कों से 100 लड़कों से भी बात करे ना एज अ फ्रेंड तो उसमें कुछ गलत नहीं है, सबके दोस्त होते हैं। उसे लगता है मैं जिस लड़के से बात करती हूँ उससे मेरा चक्कर चल रहा है। यार ये बड़ी अच्छी सोच है यार तुम्हारी। तो मैम गलत कहाँ है मेरी बताइए, आप आपको वो बार दिन में 10 बार कॉल करेगा या 100 बार कॉल करेगा? दोस्त कर सकते हैं क्या, वो दोस्तों को फिकर होती है। बिल्कुल करेगा, मेरे है बेस्ट फ्रेंड लड़के, वो मुझसे 100 बार कॉल करेगा, 1000 बार कॉल करेगा, तुझे क्या है उससे? 1000 बार कॉल करेगा वो, बताए इसके बोलने पे तुझे अगर प्रॉब्लम है। इनके पास भी आती होगी ना लड़कियों के फोन, हजार आती है, आती है ना, वो कुछ बोलती है, समझती है ना, अंडरस्टैंडिंग है ना। मैं काम करता हूँ तो कंपनी से कॉल आती है, लड़कियों की भी आती है, कंपनी की सारी कॉल अटेंड होती है। तो मैं समझती हूँ ना, तू नहीं समझता मेरे को, मेरे पास 1000 बार आएगी, लाखों बार आएगी, तुझे अगर प्रॉब्लम है तो तू जा सकता है, अगर तुम उसके तरीके से नहीं रह सकते तो लेट इट बी, छोड़ दो, खत्म करो। ठीक है प्लीज ये सब मत करो, एक लड़की को पब्लिकली धक्का दे रहे हो यार, जब तुम अपने प्यार की कदर नहीं कर पा रहे तो दूसरे की क्या इज्जत करोगे? तुम मुझे बोल रहे हो निकलो यहाँ से यार, तो मैम आप लड़की के रिश्ते, हम दोनों के बीच में बात बोला तो मैंने आपको, मेरी छोटी बहन है, मैंने बता दिया, बहन बना लिया आप, इज्जत नहीं दे पा रहे, आप खुद सोच सकते हो मुझे कितनी देता होगा। तो यार खत्म करो ना ऐसा रिलेशन, खत्म, आपको ये डिसीजन बहुत पहले ले लेना चाहिए था, प्यार में इज्जत होना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं चलते रिश्ते। बहुत अच्छा लगता है शुरू में सब कुछ, उसके बाद निभाने पे आती है ना, जब फटती है ना तब पता चलता है और वो दिख रहा है। फटने वाली बात तो है ही नहीं मैम, पूरे निभाने वाली बात है। तो पोजेसिव होने की जरूरत नहीं है ना, अगर वो क्लियरली तुम्हें क्लियर कर रही है कि मुझे नहीं रहना साथ तो लेट इट बी मैन, छोड़ो। छोड़ तो दिया, तुम्हारे पास भी लड़कियों की कमी नहीं है, उसके पास भी लड़कों की कमी नहीं है, बस एक प्यार ही होता है जो इंसान को रोक के रखता है अपने पार्टनर के पास, और उसी को ये मेरी मजबूरी समझता है। देखो अगर तुम्हें ये लग रहा है ना एक लड़की, अच्छा इसे लगता है मैं इसे नहीं छोड़, अगर तुम्हें लग रहा है ना लड़की नहीं छोड़ सकती तो बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। लड़की जब अपने वाली पे आ जाती है ना तो सब छोड़ देती है, एक आदत होती है बस साथ रहते जो लग जाती है, लेकिन अगर तुम इज्जत कदर नहीं कर सकते सामने वाले की तो छोड़ो यार, कोई फायदा नहीं है। जब ये मुझे नहीं समझता, मैं इसे नहीं समझ पा रही, तो ठीक है खत्म कर, खत्म करो यार, खत्म करो प्लीज, एक काम करो आप इसे ब्लॉक करो अभी। ब्लॉक
ब्रोक कर दिया, प्लीज़ गर्ल्स की रिस्पेक्ट करो। घर पे बहन होगी ना, उसके साथ कोई ऐसा करेगा, पब्लिकली धक्का देगा, कैसा लगेगा? लगेगा ना बहुत बुरा, बहन है ना वो, तो यार ये भी तो किसी की बहन है, इसका भी तो भाई है, इसके भाई को पता लगेगा कितना बुरा लगेगा उसे, पब्लिकली एक बंदा उसकी बहन को ऐसे धक्के दे रहा है। इज्जत करो यार लड़की की, रिस्पेक्ट। और अगर कोई नहीं रहना चाहता तो एज अ फ्रेंड तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ, नहीं टिक पाओगे तुम ज़्यादा दिन उसके साथ, छोड़ दो, जाने दो, जाने दिया ना, प्लीज़ रहना हो तो अगर किसी के साथ इन फ्यूचर आगे कंटिन्यू भी करते हो ना रिलेशनशिप, तो उसकी इज्जत करना, वरना वो भी दो दिन में छोड़ के भाग जाएगी। बिल्कुल चल जाएगी, मुझसे पहले चली गई, मैं चली गई, आगे जिसके साथ रहेगा उसके साथ प्लीज़ अच्छे से रहियो, प्लीज़ रिस्पेक्ट गर्ल्स यार। दोबारा प्लीज़ मेरे को शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, बाय, इन्जॉय योर लाइफ, तुम चलो मेरे साथ। और प्लीज़ यार कोई ऐसा करता है तो किसी को इतना मौका मत दो कि वो तुम्हारे पे हावी हो रहा है, वो सिर्फ मेरी मजबूरी है, मैंने तुम रह लोगी उसके बिना, प्लीज़ मत रो, मैं हूँ ना, सुनो मैंने तुम्हें छोटी बहन बोला ना, मत रो यार। लड़की जब अपने वाली पे आती है सब कुछ कर सकती है, एक सिर्फ आदत होती है जो लग जाती है। थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं यार, प्लीज़ रोना तो नहीं है यार, छोड़ो यार, ऐसे जिंदगी से चले जाए जितनी जल्दी वही है, प्लीज डोंट ट्राई। तुम मेरा नंबर ले लो, कोई भी प्रॉब्लम होती है ना मुझे कॉल कर लेना, लो मैं तुम्हें अपना नंबर दे देती हूँ। और पता है तुम कितनी लकी हो यार, तुम्हारा इससे खत्म हुआ, आपकी आगे इन फ्यूचर शादी होती, ये होती, क्या तुम्हें पता है फिर वही चक्कर काटते रहो कोर्ट कचहरी के, डिवोर्स एंड ऑल सब कुछ, मम्मी पापा भी बोलेंगे तूने तो अपनी मर्जी से करी थी, तू देख हम क्या समझे। मैं बहुत परेशान थी इससे, बहुत ज़्यादा, मेरा पीछे नहीं छोड़ता है, मैं कितना कोशिश करूँ कितना करूँ, ब्लॉक कर दो, नहीं बता सकती, एंड इन छोड़ता मेरा पीछा। और तुम रह लोगी, तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए, तुम रह लोगी, तुम कमज़ोर नहीं हो, भगवान ने हाथ तैर दिया ना, जॉब करो कमाओ अपना करियर सेट करो, जॉब करने तक मम्मी पापा को कमा के दो, कितना अच्छा लगेगा उन्हें, हमारी बेटी कमा के दे रही है हमें, ये रिलेशनशिप फेक है यार, सब बिल्कुल फेक है। देखो मैं ऐसे नहीं बोली, आ चुकी थी मैं ऐसे नहीं बोली, सारे रिलेशनशिप ऐसे है, लेकिन बहुत ज्यादा आज के टाइम में यही है ना, यही सब चल रहा है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और कोई भी दिक्कत होती है मैंने आपको नंबर दे दिया, आप मेरे को बता देना। और सुनो मेरा ना यूट्यूब पे चैनल है, मैं एक ना छोटा सा कब से आपको नोटिस करी थी, एक घंटे से, कि आप ना रो रहे थे, परेशान थे, तो मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, तो इसलिए मैं आपके पास आके पूछने लगी क्या बात थी। बाकी देखो कैमरा लगा हुआ है सामने, वो देखो, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ये क्लिप अगर यूट्यूब पे जाती है? नो प्रॉब्लम। कोई छोटा सा मैसेज जो आप पब्लिक को देना चाहते हो? छोटा सा मैसेज यही है कि कभी भी किसी के भरोसे मत रहो, आप इंडिपेंडेंट हो, अकेले जियो, खुद काम कर सकते हो, किसी के भरोसे मत रहो, ना किसी की सुनो, आपका घर है, आपकी मम्मी पापा है, उनके साथ रहो, खुश रहो, अगर सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो ठीक है लात मारो भगाओ। बिल्कुल बहुत अच्छा मैंने किया आज, बिल्कुल थैंक यू, चलो आओ चलते हैं यार।